डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मीडिया जी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज दोस्तों एक नया कंसेप्ट और एक नई स्ट्रेटेजी ट्रेडट्रॉन पे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले। तो दोस्तों आज का टॉपिक है इंडिया विक्स। तो दोस्तों ये इंडिया विक्स क्या है, तो ये अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है और ये इंडिया विक्स का चार्ट अभी ओपन करते हैं। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों इंडिया विक्स का। तो ये इंडिया विक्स का डेटा हमको क्या बोलता है दोस्तों, जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट जो है वो नीचे गिरने लगता है। इससे उल्टा अगर अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट इधर ओपन करके देखेंगे, ये इंडिया विक्स ऊपर गया है, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट इधर ओपन करते हैं तो इससे एग्जैक्टली अपोजिट देखो दोस्तों, इधर बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। तो ये इफेक्ट है इंडिया विक्स का, जब इंडिया विक्स जो है ये ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट फॉल होने लगता है। तो क्यों ना इसका फायदा उठा के हम एक नई स्ट्रेटेजी ट्रेडट्रॉन पे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन चालू करने वाले हैं। तो एक ही रूल है दोस्तों, जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट फॉल होता है और जब इंडिया विक्स घटता है तो मार्केट राइज होता है दोस्तों। ये वाइस वर्सा है दोस्तों, एग्जैक्टली अपोजिट है दोनों चीजें। तो इसका बेनिफिट उठा के हम ट्रेडट्रॉन पे स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कशन चालू करते हैं दोस्तों। पहले हम स्ट्रेटेजीज में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे दोस्तों। स्ट्रेटेजी का नाम पहले डिफाइन करते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम दोस्तों ऑलरेडी इंडिया विक्स। स्ट्रेटेजी ऑफ ऑप्शन सेलिंग दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग पे भी हम रख सकते हैं, लेकिन अभी ये एग्जांपल के लिए हम ऑप्शन सेलिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है दोस्तों वो 70% टाइम मार्केट में जीतता है और 30% टाइम ऑप्शन बायर जीतता है। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है दोस्तों, पहले इसको अभी हम सेव कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। हमारा मार्केट जो है वो 70% टाइम साइडवेज रहता है दोस्तों, तो मूवमेंट ज्यादा नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो टाइम पे थीटा डीके का जो बेनिफिट है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है और उसकी वजह से ऑप्शन सेलर ज्यादा फायदे में रहता है दोस्तों, और उसके लिए हमको मार्जिन भी इसलिए ही ज्यादा लगता है। और ऑप्शन बायर का जो डेल्टा मूव रहता है वो 30% टाइम ही आता है मार्केट में, तो इसलिए ऑप्शन बायर को बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है। और स्काल्पिंग ही एक ही चीज है वो ऑप्शन बायर को सेव करते कर सकते हैं दोस्तों। हमने अगर ऑप्शन बाय कर लिया तो वो मोमेंटम रहना चाहिए मार्केट में, जैसे मोमेंटम चला जाता है तो इमिजिएटली हमको एग्जिट करना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर वैसे हम रुके रहे मार्केट में और मोमेंटम पूरा लॉस हो गया तो हमारा जो है टाइम डिके के वजह से ऑप्शन का वैल्यू है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा और उसकी वजह से हम लॉस में चले जाएंगे। भले ही मार्केट जिधर ओपन हुआ है उधर भी आ गया तो भी हम लॉस में रहने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो थीटा डिके का जब बेनिफिट है वो ऑप्शन सेलर को मिलने वाला है, और इसलिए ऑप्शन सेलर मैक्सिमम टाइम जीतता है दोस्तों। तो अभी हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी इंडिया विक्स को लेके बनाने वाले हैं दोस्तों। ये हमारे दो सेट रहने वाले हैं दोस्तों, एक में हम पुट सेल करेंगे, एक में कॉल सेल करेंगे। तो दोस्तों इधर एक नया सेट हम ऐड कर लेते हैं। तो हम पुट कब सेल करेंगे दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाने वाला है, जब इंडिया विक्स नीचे गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा,
और जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा दोस्तों, यही कंसेप्ट है। ये मैंने अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी समझाया है दोस्तों, तो इसको अभी इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हैं। ट्रेडट्रॉन पे कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, ये अभी एंट्री कंडीशन से मैंने पूरा आपको समझाया है पिछले मेरे सारे वीडियोज में। ये सेट रहे, दो सेट हो गए दोस्तों, एक कॉल सेल करने के लिए, एक पुट सेल करने के लिए। ये एंट्री कंडीशन हम इधर डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इधर पोजीशन अल्गो ले लेता है और एग्जिट कंडीशन भी इधर हम डिफाइन कर लेते हैं। और ये स्ट्रेटेजी बनाते समय हम पूरा मनी मैनेजमेंट के रूल जो है वो फॉलो करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में हम फायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। अभी स्ट्रेटेजी बनाना हम चालू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो कंडीशन रहेगा दोस्तों, टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 9:30। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है दोस्तों, हमारा नेट, हमारा पोजीशन डिटेल जो है वो हमारा कीवर्ड है दोस्तों। ट्रिक से क्वांटिटी हमारा निफ्टी बैंक, दिस शुड बी इक्वल टू नंबर 0। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका यही इम्पोर्टेंस है, जब एक सेट चालू रहेगा हमारा तो दूसरा सेट एंट्री नहीं लेने वाला है, और दूसरा सेट अगर चालू रहेगा तो पहला सेट एंट्री नहीं लेने वाला है। अगर दोनों कंडीशन में पोजीशन जो है वो 0 हो गई है तो ये हमारा अल्गो पोजीशन लेने वाला है दोस्तों। तो अभी इंडिया का जो कंडीशन है वो लिखना चालू करते हैं दोस्तों। पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे, पोजीशन में इधर क्लोज ले लेंगे दोस्तों और -2 ले लेंगे। सिंबल जो है ये डे के कैंडल हम देखने वाले हैं दोस्तों, और इधर बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोस्तों। इधर हमको एनएससी आईडीएक्स सिलेक्ट करना है और इधर इंडिया विक्स सिलेक्ट करना है दोस्तों। इधर पोजीशन -1 रहने वाले दोस्तों। तो पिछले दिन का जो विक्स था इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इधर पोजीशन में -2 डाल देंगे। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये पिछले दिन का जो विक्स था वो उससे पिछला दिन जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे जो था उससे विक्स बढ़ गया है दोस्तों। तो विक्स बढ़ेगा मतलब मार्केट घटेगा दोस्तों, तो ये कंडीशन में हम, ये हमारी एंट्री कंडीशन डिफाइन हो चुकी है दोस्तों। तो जब विक्स बढ़ेगा तो हम मार्केट पीछे जाएगा, तो हम कॉल सेल करेंगे दोस्तों। इधर कॉल ले लेंगे, इधर निफ्टी बैंक ले लेंगे दोस्तों, जमा इसमें हम करने वाले। इधर हम दोस्तों एफएक्स डाल देंगे पॉइंट स्ट्राइक डाल देंगे दोस्तों, पॉइंट स्ट्राइक। अंडर लेंगे हमारा निफ्टी बैंक है दोस्तों, सॉरी। इधर हम एलटीपी डाल देंगे, इधर नंबर डाल देंगे, ऑप्शन टाइप हमारा सी है,
तो इधर एक्सपायरी सिर्फ सिलेक्ट करना है दोस्तों, इधर वीकली डाल देंगे और हम कौन से वैल्यू को ऑप्शंस के सेल करना चाहते, तो नियर अबाउट 500 का जो कॉल रहेगा उसको हम सेल करना चाहते, तो इसको करंट वीक का इधर ऐड कर देंगे दोस्तों। इधर लॉट साइज 1 सिलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे दोस्तों। बाय की जगह सेल सिलेक्ट करना है दोस्तों, और एग्जिट कंडीशन में हम इधर एग्जिट कंडीशन डालने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि हम यूनिवर्सल एग्जिट में डिफाइन कर लेंगे इसको दोनों सेट के लिए। तो अभी सिर्फ इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। ये दोनों पहले दोनों कंडीशन जो है वो सेम रहने वाली है, सिर्फ इधर ग्रेटर देन की जगह हमारा लेस देन आ जाएगा दोस्तों, मतलब जब इंडिया विज घटेगा तो मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो हम पुट सेल करेंगे दोस्तों। ये बेसिक चीजें है दोस्तों, ये आपको आनी चाहिए। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, इधर कॉल की जगह पुट कर देंगे, इधर निफ्टी बैंक सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ हमारा अंडरलिंग निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक में ट्रेड क्यों करते हैं दोस्तों हम, ये आपको अभी मेरी जो सारी स्ट्रेटेजीज है वो निफ्टी बैंक में ही क्यों है, क्योंकि आप निफ्टी बैंक में दोस्तों मूव अच्छी मिलती है और वन साइडेड मूव रहते है दोस्तों। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है तो क्लियर मूव उधर नहीं आती है दोस्तों। निफ्टी बैंक को एक 3 से 4 स्टॉक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ऐसे 2-3 बैंक है वही उसको डिराइव करते है, तो अच्छा मूव इधर क्लियर मूव आता है दोस्तों, ज्यादा फेक मूव आते नहीं है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे भी ज्यादा रहता है दोस्तों। तो इधर सिर्फ फाइन स्ट्राइक में कॉल की जगह इधर पुट कर देंगे इसको, बाकी सब सेम होगा दोस्तों। ये इधर हमने पुट सेल कर दिए 500 रुपीज को। अभी यूनिवर्सल एग्जिट में हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे दोस्तों। PNL ग्रेटर देन नंबर 5000 से आगे अगर हमारा PNL गया तो हम एग्जिट कर लेंगे दोस्तों, और इधर स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। स्टॉप लॉस लगाना मार्केट में बहुत ही जरूरी है दोस्तों, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है दोस्तों, और जब कैपिटल वाइप आउट होता है तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज होनी चाहिए वो नहीं रहती है, और हम ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं और मार्केट को कोसना चालू कर देते हैं दोस्तों। तो आप कौन सा भी ट्रेड लो, मैन्युअल ले लो या ट्रेट्रॉन पे ले लो, अल्गो कौन सा भी यूज करो, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओ और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:3 मिनिमम रहना चाहिए, तो ही आप लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो दोस्तों। ये बात जितनी जल्दी हो सके आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए आपको अगर ट्रेडर बनना है तो, नहीं तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो जल्दी खत्म होने वाली है। ये बेसिक चीजें है दोस्तों, ये चीजें ना समझ के लोग अंधाधुंध कभी भी मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बाइंग करना चालू कर देते, कोई सपोर्ट नहीं देखते, कोई रेजिस्टेंस नहीं देखते, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसका एक सिस्टमेटिक वे है वो हमको पहले सीखना पड़ेगा, और आपको आता नहीं तो अल्गो सबसे बेस्ट है दोस्तों, अल्गो लगा के छोड़ देना है, ये अपना काम अपने हिसाब से करता रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस
स्ट्रिक्टली मेंटेन होता रहेगा दोस्तों। ये एडवांस सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना है, इन्होंने दिया हुआ है मार्केट प्लेस सेटिंग क्रिएटर प्लान में लगते है। आप अगर अच्छे स्ट्रेटेजी मेकर बन गए तो आप अपने इधर स्ट्रेटेजी मार्केट प्लेस पे भी डाल सकते हैं, आपको ये मालूम रहेगा शायद सब। ये किसी और वीडियो में आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये सब अभी ऐड कर दिया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा सेट वन और सेट टू, ये इंडिया वीक्स का स्ट्रेटेजी से कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी बन गई दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। पहले मेरी यही रिक्वेस्ट आपको रहेगी, आप पहले स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेड कीजिए दोस्तों। पेपर ट्रेड का ऑप्शन ट्रेडट्रॉन में दिया हुआ है, पेपर ट्रेड कीजिए। एक 15 से 20 दिन मिनिमम कीजिए दोस्तों, तो आपको उस स्ट्रेटेजी के प्रोज और कॉन्स समझ में आ जाएंगे। बाद में वो स्ट्रेटेजी को कैसे मॉडिफाई करना है, क्या करना है, ये आप सोच सकते हैं। और उसके बाद ही उसको अपने रियल मनी जो है आपका ब्रोकर अकाउंट में उसको कनेक्ट कीजिए दोस्तों। यही मेरा आपको कहना है दोस्तों, डायरेक्टली मत कनेक्ट कीजिए, हार्ड अर्न मनी रहता है। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन गंवाना बहुत आसान है, इसलिए 90% लोग लॉस में है दोस्तों। लोगों को बहुत जल्दी होती है पैसा कमाने की, मार्केट चालू होता है 9:15 को और डायरेक्टली घुस जाते हैं, क्योंकि उनको अगर 50,000 अगर कैपिटल है उनका तो उनको 50,000 आज ही कमाना है। तो इसकी वजह से, ग्रीड की वजह से ही सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों। फियर और ग्रीड को हमने अगर कंट्रोल कर दिया तो मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। हमको कब बाहर निकलना है मार्केट से और कब रुकना है, यह अगर आपको आ गया, ये टेक्निक आपको आ गई, तो आप जीत गए दोस्तों मार्केट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी हमारी बन गई, इसको आप बनाइए, पेपर ट्रेड कीजिए। और मैंने जो स्ट्रेटेजीज लगाई हुई है अभी, ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ये अभी 21 फरवरी से मैंने लगाई हुई है, इसका अभी 18,000 प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। ये भी स्ट्रेटेजी आज थोड़ा सा रेट में चल गई, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉफिट में है दोस्तों, 13,000 का है। ये सिर्फ मैंने, ये 12 मार्च को, ये 2 दिन का प्रॉफिट है दोस्तों, 13,000। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ऐसे ये स्ट्रेटेजी जो है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपके पास अगर ट्रेडट्रॉन का अकाउंट है तो आप वो लिंक को क्रोम ब्राउजर में इधर पेस्ट करके सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, और बाद में आप सब्सक्राइब करके पेपर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। पेपर ट्रेड में आपको रिजल्ट अच्छे लगने के बाद आप वो ब्रोकर अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। और आपका अगर कोई लॉजिक है दोस्तों, आपके पास आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस आ गया है और आपके पास लॉजिक है और आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन वो चार्जेबल रहेगा दोस्तों। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। कौन सी भी स्ट्रेटेजी हो आपको परफेक्ट तरीके से मैं बना के दे सकता हूँ। 2-3 क्लाइंट्स को ऑलरेडी मैंने बना के दी हुई है, वो सेटिस्फाइड है दोस्तों। तो आपका लॉजिक अगर है तो मुझे शेयर कीजिए, मैं वो चार्जेबल बेसिस पे आपको समझा दूंगा। और उसका 15 दिन तक जो कुछ है मैं एनी डेस्क पे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों, आपके कंप्यूटर के साथ, और आपको पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपके पास कोई लॉजिक है और आपको कोडिंग नहीं आता तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूं दोस्तों। और आपके पास अगर ट्रेडट्रॉन का अकाउंट नहीं है तो ट्रेडट्रॉन का अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है दोस्तों, तो उसका यूज करके आप ट्रेडट्रॉन का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं इजीली। उसको सिर्फ जीमेल के क्रेडेंशियल लगते हैं दोस्तों, उसके साथ कनेक्ट करके 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अभी ये अलगो ही फ्यूचर रहने वाला है दोस्तों, तो क्योंकि
पूरा दिन मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए हर किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों, बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आप वर्किंग भी नहीं है तो भी घर के भी काम रहते हैं बहुत सारे, तो पूरा दिन मार्केट को कंटिन्यूस ऑब्जर्व करना बहुत ही रिस्की भी है दोस्तों, और इसको जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके कुछ इसमें डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब शेयर और लाइक करेंगे तो ऐसे अच्छे अच्छे नए वीडियोस में नए ट्रेडर्स के लिए लाता रहूंगा और आपको एजुकेट करता रहूंगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।